Hello everyone, welcome to Dr. Gunjan's classes. I am Dr. Gunjan and today we are going to do another part of the life processes chapter that comes under unit 2 of your class 10 science, the world of living. So under this chapter we have already done about the living beings, their introduction, nutrition humne pura pad liya tha isme. और अब हम रेस्पिरेशन भी, बेसिक रेस्पिरेशन हम कर चुके हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. आज हम बात करेंगे ह्यूमंस के बारे में, हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसके अंदर. सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हर किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, स्पेशल स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग द रेस्पिरेशन. ठीक है, सो ह्यूमंस में कौन से होते हैं? ह्यूमंस में है लंग्स. एज यू ऑल नो, ह्यूमंस में क्या होता है? लंग्स फॉर द एयर पैसेज. एयर पैसेज के लिए ह्यूमंस में लंग्स होते हैं. सबसे पहले एयर की अगर हम बात करें, एयर हम नोज से अंदर लेते हैं. नोज यानी यहाँ पे नॉस्ट्रल्स हैं, नॉस्ट्रल से हम अंदर लेते हैं एयर को. ठीक है, यहाँ से नोस्ट्रल के अंदर ही कुछ फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. सबकी नोस्ट्रल के अंदर फाइन हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है. वो इसलिए होता है ताकि जो एयर है उसको फिल्टर आउट कर सके. ठीक है, ताकि कोई बैक्टीरिया वगैरह हमारी बॉडी के अंदर ना जा सके. उसके बाद सब नोस्ट्रल्स में जाने के बाद सबसे पहले इसका जो एयर का कंडक्शन है वो कैसे रहता है, उसके बाद वो जाते हैं नेजल पैसेज होता है. ठीक है, नोज के अंदर पैसेज में सबसे पहले वो फेरिंग्स में गए. किसमें गए? फेरिंग्स में. ये आपने याद करना है, सबसे पहले वो फेरिंग्स में गए. फेरिंग्स के पीछे लैरिंग्स होता है. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, फेरिंग्स के पीछे लैरिंग्स होता है. फेरिंग्स के बाद वो लैरिंग्स में गए. लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया, जिसे कि विंड पाइप कहा जाता है. ये आप लंबी सी पाइप देख रहे हैं, ये ट्रैकिया होती है. फिर उसके बाद लैरिंग्स के बाद वो ट्रैकिया में गया. फिर क्या होता है, ट्रैकिया फर्दर दो ऐसे करके दो इधर डिवीजन शो करता है. ठीक है, ये जो डिवीजन होता है ये फर्दर, इसमें क्या होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं ट्रैकिया के अंदर, ताकि एयर पैसेज की कोलैप्सिंग ना हो सके. ठीक है, एयर अच्छे से अंदर जाए बाहर आए, ऐसा ना हो कि हमारा सांस ही रुक जाए. ऐसा इसलिए इसमें क्या प्रेजेंट होता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. सो सबसे पहले एयर जो आई वो कहाँ गई, नॉस्ट्रल में. यहाँ पे फाइन हेयर और म्यूकस प्रेजेंट है तो वो फिल्टर करके अंदर गई. उसके बाद वो फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के पीछे लैरिंग्स होता है, उसके अंदर गई. फिर विंड पाइप ट्रैकिया में आई और वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, इसमें होते हैं ब्रोंकस बोला जाता है इसको. ठीक है, ये वाले जो होते हैं ब्रोंकस, इसके अंदर गई. और ये फर्दर ब्रोंकस जो होते हैं ये फर्दर आगे ऐसे, जैसे एक ट्री होता है ना, उसी की फॉर्म में ये अंदर ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं. इसको कहते हैं डिवीजन होती है, ब्रोंकियोल्स. फिर वो ब्रोंकियोल्स में गई. और उसी तरह से दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, वो फर्दर लंग्स में चले जाती हैं, राइट लंग और लेफ्ट लंग. सो बेसिकली आपको ये यहाँ पे सिंपल पहले इस पिक्चर में ये याद करना है, सबसे पहले नॉस्ट्रल में गया, फिर फेरिंग्स में आया, फिर लैरिंग्स में, फिर ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंकस में ब्रोंकियोल्स तक पहुँचा एंड फाइनली टू द लंग्स. उसके बाद अगर हम बात करें कि लंग्स के अंदर ये जो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स हैं, ये पैसेज होता है. बेसिकली ये पैसेज होता है. यू कैन सी दिस इज द ट्रैकिया, ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज. यू कैन सी ऐसे रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, ये ट्रैकिया है. ठीक है, इसके अंदर ये इस तरह से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं ताकि एयर की कोलेप्सिंग ना हो सके. उसके बाद ये ब्रोंकियाई में चला गया. ठीक है, फिर ब्रोंकियोल्स फर्दर उसके अंदर चला गया. ब्रोंकियोल्स जो है वो कहाँ पे जाके खुलते हैं, वो एल्वियोलाई में खुलते हैं. एल्वियोलाई क्या है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू कैन सी ये प्रेजेंट होता है. वो इसके ब्रोंकियोल्स जो हैं फर्दर वो एयर का पैसेज यहाँ पे एल्वियोलाई को देते हैं. ठीक है, तो जो गैस एक्सचेंज बेसिकली हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई के सरफेस पे हो रहा है. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, एक नेटवर्क होता है पूरा ब्लड वेसल्स का एल्विओलाई के अंदर, राइट. सो अगर इसका सिंगुलर की बात करें तो उसको एल्विओलस बोला जाता है. ठीक है,
क्या बोला जाता है, एल्वियोलस बोला जाता है। देन जब हम ब्रीद करते हैं, जब हमने सांस को अंदर खींचा तो क्या हुआ, हमने सांस को अंदर खींचा नॉस्ट्रल से, हम ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, जो डायफ्राम होता है, ठीक है, जो डायफ्राम होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है, यानी कि दोनों अगर आप हाथ जोड़ के देखें तो वो ऐसे बंद हो गया। उसमें क्या हुआ, चेस्ट की जो कैविटी थी, चेस्ट के अंदर जो कैविटी थी वो लार्जर हो गई और एयर एंटर कर पाई एल्वियोलाई के अंदर, उसको स्पेस मिल गई एंटर करने के लिए एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। क्या हुआ, जब हम सांस ब्रीद इन करते हैं, जो हमारी रिब्स होती हैं वो लिफ्ट हो जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं, और डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाता है, जिसके कारण जो हमारी चेस्ट कैविटी है उसके अंदर स्पेस बढ़ जाती है और एयर जो है वो एल्वियोलाई के अंदर चला जाता है, ठीक है। इस तरह से हम ब्रीथ इन कर पाते हैं। तो इसमें होता क्या है, ब्लड वेसल्स जो एल्वियोलाई में प्रेजेंट है उसके सरफेस पे ही गैस एक्सचेंज हो रहा है एल्वियोलाई के अंदर। सो ब्लड वेसल्स का जो पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, ब्लड वेसल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को लंग, ऑक्सीजन को पूरी बॉडी तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लाकर लंग्स में देना ताकि वो रिलीज आउट कर सके, ठीक है। सो बेसिकली जो ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं ब्लड ब्लड में, ठीक है, ब्लड क्या करता है, CO2 को सारी की सारी बॉडी से लाके वो कहाँ पे रिलीज आउट कर देता है, एल्वियोलाई के अंदर, ताकि वो उसको बाहर रिलीज आउट कर सके, ठीक है। और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एल्वियोलाई के अंदर वो सारी बॉडी में चला जाता है थ्रू एल्वियोलर ब्लड वेसल्स, जो उसके अंदर ब्लड वेसल्स थी उसके थ्रू वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर जाता है। सो दिस इज क्लियर, किस तरह से नॉस्ट्रल से आगे गया एल्वियोलाई तक पहुंचा, ठीक है। एल्वियोलाई में वो हमने बात की किस तरह से फंक्शनिंग हुई, कि जो चेस्ट कैविटी थी, रिब्स रिब्स जो थी वो लिफ्ट हुई, डायफ्राम फ्लैटन हो गया, चेस्ट कैविटी बड़ी हो गई और एयर अंदर चली गई और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो बाहर निकल गई, ओके। एक्सहेल हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कर दिया, ऑक्सीजन को हमने ब्रीथ इन कर लिया। तो जो ऑक्सीजन बाहर से आ रही है तो वो ब्लड वेसल्स के थ्रू पूरे बॉडी के ब्लड में चली जाएगी, तो सारे बॉडी पार्ट्स तक पहुंच जाएगी, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है सारी बॉडी ने जो रिलीज कर दी वो ब्लड के थ्रू हमारी कहाँ पहुंच जाएगी, लंग्स तक पहुंच जाएगी और वो उसको एक्सहेल कर देगा, ठीक है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या याद करने वाले हैं, कि पूरी की पूरी ब्रीदिंग साइकिल्स में जो लंग्स होते हैं ना हमारे, ये जो लंग्स हैं, ठीक है, इनमें एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है, ताकि सफिशेंट सप्लाई, सफिशेंट टाइम मिल सके बॉड लंग्स को ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड ने रिलीज आउट होना है, ऑक्सीजन ने हमने अंदर आना है, एब्जॉर्ब करना है बॉडी। तो एक रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है लंग्स के अंदर, ठीक है, जिसके कारण बॉडी को सफिशिएंट टाइम मिल सके कि वो अपना लंग्स अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके। सो लंग्स का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करना। सो सारे के सारे जो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें समझने वाला है, जो सारे लार्ज साइज एनिमल्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन प्रेशर काम नहीं करता, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम कि वो ऑक्सीजन को डिलीवर, अगर पूरी बॉडी पार्ट्स में डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन को डिलीवर करना हुआ, सो दैट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, जिसके कारण हमारी बॉडी सर्वाइव कर ही नहीं सकती। सो इसके लिए रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमंस में क्या है, दैट इज हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन RBCs के ऊपर हीमोग्लोबिन, ठीक है। सो ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, ठीक है। सो ये क्या करता है, इसकी सबसे हाई एफिनिटी, इसको सबसे प्यारा कौन लगता है, इसको ऑक्सीजन सबसे प्यारा लगता है, तो ये इससे अटैच हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो ये हीमोग्लोबिन है, ठीक है, RBC के ऊपर हीमोग्लोबिन है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आके ये दिख रहे हैं आपको ब्लू ब्लू से, ये अटैच हो गए बिकॉज इसकी हाई एफिनिटी है ऑक्सीजन को अटैच करने की, जिसके कारण सारी बॉडी में ये ब्लड के थ्रू जो है सारी सारी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचा सके। ऑक्सीजन इस तरह से बाइंड हो गया, फिर ऑक्सीजन ने टिश्यूज को रिलीज कर दिया और सारी बॉडी में वो चला गया, ठीक है। जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पानी में ज़्यादा सॉल्यूबल होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन,
सो इसीलिए वो ब्लड में भी एक डिजॉल्व फॉर्म में ही रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड में भी एक डिजॉल्व फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज़्यादा है. तो अगर ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके एनसीईआरटी में, अगर एल्विओलर सरफेस जो है वो इस तरह से नेटवर्क फॉर्म में प्रेजेंट होता है, अगर उसको स्प्रेड आउट किया जाए, अगर उसको खोल के रखा जाए, तो यू नो वो कितना सरफेस एरिया कवर करेगा? 80 मीटर स्क्वेयर, जबकि पूरी ह्यूमन बॉडी का सरफेस एरिया ही 1.9 मीटर स्क्वेयर होता है. ठीक है, इमेजिन करिए एल्विओलर सरफेस किस तरह से नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. ठीक है, अगर उसको स्प्रेड आउट करेंगे तो वो इतना एरिया कवर कर लेगा, जबकि पूरी बॉडी का हमारा सरफेस एरिया इतना ही है. ओके, पर अगर हम डिफ्यूजन, हम कह रहे हैं कि डिफ्यूजन क्यों नहीं हो सकती, तो इसके लिए एक वैलिड पॉइंट दिया गया है, जो कि आपकी एग्जाम्स में 1 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि अगर डिफ्यूजन को, डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन ब्लड में मूव करता, ठीक है, तो आप सोचिए आपका जो ऑक्सीजन है लंग्स से टोस तक पहुंचने के लिए उसको पता है कितना टाइम लग जाता? 3 ईयर्स. इट वुड टेक 3 ईयर्स फॉर एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू रीच द टोस फ्रॉम द लंग्स. ओके, सो हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड जो ऑक्सीजन की फास्टर ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए यहाँ पे रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट है हमारा वो क्या है? हीमोग्लोबिन. ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि जो आप नोट डाउन कर लीजिए. जो टोबैको और टोबैको के प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कई ऑर्गन्स को ख़राब करते हैं, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, लिवर हो गया. ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट्स द टंग, बिकॉज मुंह के थ्रू ही लिए जाते हैं प्रोडक्ट्स. इवन कि जो स्मोकलेस टोबैको है, जिसमें से स्मोक नहीं आती बट है तो वो टोबैको ही, वो भी हार्ट अटैक कॉज कर सकता है, स्ट्रोक्स कॉज कर सकता है, पल्मोनरी डिजीजेस कॉज कर सकता है, कैंसर कॉज कर सकता है. सो ओरल कैंसर एक हाईली प्रिडोमिनेंट रिपोर्टेड कैंसर है इंडिया में, क्योंकि ये किसके खाने से होता है? टोबैको के खाने से होता है, सो इन द फॉर्म ऑफ गुटखा, सो इट शुड बी अवॉइडेड, राइट? स्मोकिंग जो है हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक सीलिया प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, जो कि प्रिवेंट करता है डस्ट, जर्म, स्मोक अंदर ना जाए हमारी बॉडी में. तो ये जो स्मोकिंग है इसका काम क्या है? ये सीलिया को ही डिस्ट्रॉय कर देती है. इसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो बॉडी के अंदर कुछ भी चला जाएगा, तो हमारी बॉडी इन्फेक्शन के लिए प्रॉन हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा? कफ, कैंसर, कोई भी मतलब डिजीजेस होने का खतरा रहता है. ठीक है, सो दिस इज़ अ कॉमन कॉज ऑफ डेथ, कैंसर. सो इट शुड बी अवॉइडेड, स्मोकिंग शुड बी अवॉइडेड. ठीक है, ये कुछ हेल्थ रिस्क मैंने यहाँ पे बना रखे हैं. यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि स्मोकिंग से क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं. टीथ्स का येलो हो जाना, हार्ट डिजीजेज हो जाना, ब्लड वेसल्स का हार्डन हो जाना, स्टमक या इंटेस्टाइनल कैंसर की पॉसिबिलिटी हो सकती है, लंग कैंसर हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है. सो इट शुड बी अवॉइडेड ऑन अ लाइक एमरजेंसी नोट, किसी को भी स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए. ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर विद यू. इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई गेट बैक टू यू विद द सॉल्यूशन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड एंड काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर फर्दर वीडियोज. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.